हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है थोड़ा मॉडल बुटीक दी स्टिचिंग कोर्स की अगली क्लास विच। मैं लास्ट क्लास विच थोनू गले ते लेस लगानी दसी सी। वीडियो लंबी ना हो जावे इस करके मैं वीडियो विच ही बंद कर दिती सी। अज की क्लास दे विच मैं थोनू बैक गले ते और रेप पट्टी किस तरह लगानी है सफाई नाल ते मोढ़े की सिलाई किस तरह लगानी है ये दोनों गले जोड़ के ये दसांगी। स्टार्ट कर दें अज की क्लास। फ्रेंड्स देखो, मैं गले की कटिंग की हुई है, ठीक है, तो ये मैं और रेप पट्टी कट्टी हुई है और रेप पट्टी थोड़ी छोटी सी इसलिए मैं दो जोड़ पाए हुए है ये वाले, ठीक है। हुण आपां देखो इनू पट्टी नू फोल्ड, ये लगभग 1.25 इंची की होनी हैगी है। इनू मैं इस तरह फोल्ड करके, तुसीं चाहो तो थोड़ी पतली भी कट सकते हो, पर मैनू रेप पट्टी थोड़ी जी चौड़ी वधिया लगती है, इस करके मैं इदा लैनी हैगी कि ज़्यादा कपड़ा। तो इस तरह इनू डबल करके इत्थे रख लेना आ, ठीक है। तो हुण आपां इहदी थोड़ा थोड़ा मार्जन दे के आपां इहनूं लगाना शुरू कर देना आ। 1/2 इंच तो घट मार्जन देना है इहदे विच। इस तरह सिलाई स्टार्ट कर लैनी है। तो हुण देखो रेब जिहड़ी हैगी है वह किस तरह लगानी है। रेब नूं आपां इस तरह डबल करके ही फड़ना है। तो इस गल का ध्यान रखना है कि तुसी उरेब जरा भी खिंचनी नहीं है, स्ट्रैच नहीं करनी हैगी, ठीक है। तो इनू उरेब नू इस तरह नरम हत्थां दे नाल ही सैट कर लेना हैगा इस तरह। तो हुण इस तरह राउंड दे विच सिलाई लगानी है। आपां एक सिलाई दे विच नहीं, जदों आपां राउंड जाना है तो फिर आपां सिलाई रोक रोक के सिलाई लगानी है राउंड विच कर करके, ठीक है। जदों आपां पहला नरम हत्थां नाल उरेब उपर सैट कर देनी है, फिर सूट ते उरेब दोनों इस तरह हल्का जिहा खिंच के फिर सिलाई लगानी है। कल्ली उरेब नहीं खिंचनी हैगी आपां। देखो हुण इत्थे राउंड आ गया, राउंड दे विच मैं इस तरह करके लगा रही हाँ। देखो जिहड़ी मेरी रेब है वह लग चुकी है। हुण मैं इत्थों इत्थों हल्के हल्के कट दे देने हैं ताकि जिहड़ी रेब हैगी है वह प्रोपर अंदर फोल्ड हो जाए। कट दे के जिस तरह कई की करते हैं कि मार्जन भी इधर है, तो इनू भी रेब नू भी इस तरह करके नालों नालों बिल्कुल ये सिलाई लगा देंगे है ताकि जड़ी मार्जन और रेब हैगा है वह इकट्ठा जुड़िया रहे, तो इकट्ठे नू इस तरह फोल्ड करके तुरपाई कर सको। वो भी वैसे वधिया आ, बट मैं इतने सिलाई नहीं लगाती हैगी नाल। तो मैं की करती हूँ कि पहला आप फ्रंट वाला गला लैके इस तरह इनू इस तरह खोल के रेब नू जड़ी आप लगाई है मार्जन भी इधर रखना आ, तो रेब जड़ी है वह भी इधर रखनी हैगी है, ठीक है। तो फिर जी आप गला तैयार किया है, चाहे यह रेब लेस वाला हो पाइपिंग वाला जा सिंपल गला होनू आप इस तरह रख लेना हैगा है, ठीक है। अगर थोड़ी लेस जड़ी हैगी है वह फोल्डेबल नहीं हैगी है इतों, तो फिर तुसी लेस दे बराबर रख के इनू लगाना, जोड़ा लेस में सिलाई के बराबर रखना है। जे थोड़ी लेस जड़ी हैगी है वह एक्सट्रा फोल्ड हो सकती है उत्थों, जिस तरह ये वाला मैं पट्टी इस तरह फोल्ड कर रही हाँ, तो फिर तुसी जिते तक फोल्ड हो रही है, ठीक है, उत्थे तक इनू इस तरह रख के जिथों साड़ी जड़ी रेब है वह ज्वाइंट होई हुई है, ठीक है, उत्थे तक इस तरह रख के इस तरह मोढ़े बराबर करके सिलाई लगा देनी है। तो इतों आप 1/2 इंच का ही एक्सट्रा मार्जिन जोड़ा हैगा वो रखना है। तो हुण मैं जिहड़ी अपनी यह हैगी है सिलाई उन्हूं फोल्ड कर देना हैगा है, ठीक है। तुसी चाहो जिहड़ी ये वाली लेस है इनू तो आप इतों जोड़ा टांका यह जुड़िया हुआ इनू कट भी कर सकते हैं, जे ये नाल लेस से कोई फर्क नहीं पवेगा क्योंकि ये लेस उधड़ी नहीं होंगी, इनू जिथों मर्जी कट दो,
ठीक है। हुण देखो मैं इस तरह सैट कर ली है, मैं इतों टांका एक कट दिता इस तरह लैस का, ये वाली आपां उपरों फोल्ड कर देनी हैगी है, ते इहदे नाल ही आपां जिहड़ी इह ओरेव है वह गले के बराबर इस तरह उपर फोल्ड कर देनी है। ते हुण दूसरी साइड का मार्जन ते ओरेव इहनू इधरली साइड नू रखना है, ते जिथों ये जॉइंट होई हुई है जुड़ी हुई है उत्थों आपां इधर वाला गला जिहड़ा हैगा आ ओहो इस तरह रख के जोड़ देना है। मैं साइडां तो मार्जिन जिहड़ा हैगा वह थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि मैं तिरछी कटाई दे नहीं पाई हुई, सीधी कटाई सी, ठीक है, इस करके मैं थोड़ा जहा साइडां तो मार्जिन ज़्यादा लिया होया आ। हुण मैं डबल सिलाई करन लगी हाँ, यह देखो हुण मैं थोनू इस तरह सीधा करके दसदी हाँ। ये देखो जड़ी ये ओरेब है ये भी पूरी सफाई दे नाल लग गई है, ठीक है, सिलाई भी दी अंडरग्राउंड हो गई है, तो यह जड़ी लेस है ये भी बिल्कुल पूरे तरीके दे नाल निकल आई है इस तरह, ठीक है जी। इस तरह आपां जड़ी आपां इस तो बाद की करना है, जड़ी बैक गले दी ओरेब आ उहनू आपां इस तरह पूरा प्रोपर फोल्ड करके उपरों कच्ची सिलाई लगा देनी है ता कि जड़ी साड़ी तुरपाई है वह करते समय जड़ी ओरेब है वह उपर नीचे ना हो बे, ते प्रोपर सफाई आवे बैक दे गले दे विच। ये देखो इस तरह करके कच्ची सिलाई दे नाल फोल्ड कर देनी है। फ्रेंड्स देखो बैक ते जड़ी ओरेब है वह लग चुकी है पूरी फिनिशिंग दे नाल, जदों भी आपां ओरेब जड़ी लगानी है उहदा शेप वधिया होनी चाहीदी है, ते जिहड़ा नीचे वाला कपड़ा हैगा आ अंदर वाला जिहड़ा ओरेब दा कपड़ा वह बाहर नज़र नहीं आना चाहीदा, ठीक है। साडा गला ते ओरेब जड़ी है पूरी फिनिशिंग दे नाल लगी है, मैं बैक साइड तो एक बार दिखा दिंदी हां। ये देखो ओरेब पट्टी पूरी प्रोपर फोल्ड होई हुई है, कित्यों भी बाहर नहीं गई हुई, ठीक है, ते गला भी जड़ा हैगा है वह पूरा वधिया बनिया होया है। तुसी जड़ी रेप पट्टी ते जड़ी लेस लगानी है वह इस तरह लगानी है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद है कि तुहानू यह पूरी तरह समझ में आया होगा, जे वीडियो थोड़ी जी भी वधिया लगी है समझ में आई है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दिओ, तो मेरी वीडियो वध तो वध शेयर जरूर करो। ओके फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तद तक के लिए बाय बाय।